वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी वर्सेस साइंस एपीसोड नंबर 2-10। इस एपीसोड दे विच सारिया संगतां दा निघे दिलों स्वागत करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे नाल जुड़े रहण दे लई साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ते बैल आइकन दबना ना भुलो तां कि साडी हर अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। पिछली वीडियो दे विच असी गल कीती सी कि ब्रह्मांड किवें बनिया, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अज असी इस वीडियो दे विच यूनिवर्स दे रिलेटड ही गल करांगे। साइंस की कहती है ते साडे गुरु साहिब दे विचार की हन। अज असी 21st सेंचुरी दे विच रह रहे हाँ ते इस युग नूं साइंस दा युग कहा गया है, क्योंकि दुनिया दे लोकां दा मनना है कि इस युग दे विच ही इस दुनिया ते इस ब्रह्मांड दे रहस्य पता लगन लगे। बट जिवें दास ने पिछली वीडियो दे विच भी क्लीयर कीता सी कि साडे गुरु साहिबान ने यह सारी थ्यूरीज कई सौ साल पहला ही दे दित्तियां सन। अज असी ब्रह्मांड दे रिलेटड ही डिस्कस करांगे, ज्यादा दूर नहीं जावांगे। हले कुछ 20-30 साल पहला दी ही गल है, साडे साइंटिस्ट कहंदे सन कि आकाश दे विच केवल इको ही सूरज है ते 8 प्लैनेट हन, जिन्हां दे विचों केवल एक प्लैनेट ते ही जीवन है, जिस नूं धरती यानी कि अर्थ दा नाम दिता गया। पर नासा ने बिलियन डॉलर्स खर्च के कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च कीतियां अते इहना फॉल्स थ्यूरीज नूं खत्म कीता। साडे गुरु साहिब ने पहला ही दस दिता सी के केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस। इस दा अर्थ है कि अनगिनत ही इंद्र हन, अनगिनत ही चंद हन ते अनगिनत ही सूर्य मंडल ते देश हन। बस इन्ना ही नहीं, गुरु साहिब अगे बख्शिश करते हन कई कोट आकाश ब्रह्मांड। इस तुक दा अर्थ है कि कई करोड़ ही असमान ते ब्रह्मांड हन। अनक आकाश अनक पताल, जिस दा अर्थ है कि बहुत सारे आकाश हन ते बहुत सारे ही पताल हन। अज साइंस कहंदी है कि यूनिवर्स दे विच एक ऐसी जगह है जिस विच कोई भी चला जाता है तो उस दा टाइम जीरो हो जाता है, मतलब उस दा समा उत्थे ही थम जाता है। उस जगह नू नाम दिता गया है ब्लैक होल दा, जिस बारे गुरबाणी विच भी जिक्र है। गुरु साहिब जी बख्शिश करते हैं, अंधकूप मह हाथ दे राखो कछु सियानप उपत न मेरी। अंधकूप दा मतलब है ब्लैक होल। इस तुक दा अर्थ निकलदा है कि अंधकूप यानी कि ब्लैक होल दे विच्चों परमात्मा जी मैनू हाथ दे के रखो, क्योंकि उत्थे मेरी कोई सियानप नहीं चलनी। हुण साडे मन दे विच सवाल आउंदा है कि यूनिवर्स इक्को सेप दा है जिवें साडा सोलर सिस्टम है, कि बाकी भी इदां दे ही हन। ते इत्थे साइंस दा जवाब आउंदा है कि नहीं, साइंस दे अनुसार ब्रह्मांड दे विच वख-वख तरां दीआं गलैक्सीज हन, जिवें कि बैरल स्पायरल, इररेगुलर स्पायरल, पैक्यूलियर आदि। ते गुरु साहिब कहंदे हन कि अनक रूप रंग ब्रह्मांड। इस दा अर्थ है कि इस ब्रह्मांड दे बहुत सारे रूप हन ते बहुत सारे रंग हन, मतलब के साइंस ने जो 6-7 रूप दी खोज कीती है एह कुछ भी नहीं हन। गुरु साहिब दे अनुसार ब्रह्मांड दे बहुत सारे जां कह लईए इनफिनाइट रूप हन ते इनफिनाइट ही रंग हन। हुण साइंस ने एक होर खोज कीती 1962 दे विच, यानी कि 1962 दे विच एक इंस्टीट्यूट दी टीम ने खोज कीती कि चंद्रमा कोल अपनी लाइट नहीं है ते ओह सूरज दी रोशनी नूं रिफलैक्ट करदा है। जिवें असीं शीशे दे विच टार्च मारदे हाँ तां टार्च मुड़ के वापस आ जांदी है। साइंस दा कहना है कि सूरज दी रोशनी जदों चंद्रमा ते पैंदी है तां ठीक उस टार्च दी तरह ही वापस आ जांदी है। इस खोज दे लई उस टीम ने चंद ते जाणा कीता ते उत्थे जा के लेजर दी लाइट चंद ते मारी तां चंद तों रिफलैक्ट हो के वापस आ गई। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਵਸੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਸਿਸ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 2। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8000 ਲਾਈਕਸ ਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।